एसिड्स और बेसिस की क्लासिकल डेफिनेशन क्या होती है और क्यों हमको बाद में एरिहेनिस थ्योरी, लेविस थ्योरी या दूसरे कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ी। नमस्ते, मेरा नाम अदित्य दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई अब बताओ मैं क्या पढ़ना है। चैप्टर 6, ये भाई एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 2 का चैप्टर 6 है, एसिड्स एंड बेसिस। तो भाई इस टॉपिक को, तो इसमें भाई पहला टॉपिक क्या हमारे पास, थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को हमने टोटल 7 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला क्या हमारे पास, ओल्ड डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। फिर हम क्या पढ़ेंगे, एरिहेनिस थ्योरी। फिर क्या भाई, ब्रॉन्स्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट। फिर क्या है, लेविस कॉन्सेप्ट। फिर क्या है, कोडी और सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। फिर क्या है, लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। और लास्ट में क्या होगा, उसानोविच कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपने भाई एसिड्स और बेसिस के ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और फिर आपने घर जाना है। ओके, तो बताओ भाई सबसे पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, ओल्ड डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। भाई देखो, एसिड्स और बेसिस की सबसे पुरानी डेफिनेशन क्या है, कि एसिड्स क्या होते हैं, सौर और बोलो भाई, और ब्लू लिटमस पेपर क्या करते हैं, रेड। बेसिड क्या होंगे भाई, स्वाद में क्या होंगे, खट्टे होंगे, और ब्लू लिटमस को क्या कर देंगे, रेड कर देंगे, और बेस के साथ रिएक्ट करके अपनाएंगे सॉल्ट। ये होती भाई एसिड की कन्वेंशनल पुरानी डेफिनेशन, पुरातनकालीन डेफिनेशन ही होती भाई। ओके, हड़प्पा काल में यही डेफिनेशन पढ़ाया करते, ठीक है। ओके, तो भाई और बेस की भी पुरानी डेफिनेशन क्या होती है, बेस किनको बोलते हैं, बेस होते कड़वे। क्या होते हैं, इनका टेस्ट क्या होगा, कड़वा होगा, और ये रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे और एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर। समझे बात। तो इसके अकॉर्डिंग NHCl क्या, इसके अकॉर्डिंग HCl क्या, एसिड, और NaOH क्या बताओ भाई, बेस। क्योंकि भाई HCl क्या करता है, ये तो भाई ब्लू लिटमस को रेड करता है और ये रेड को ब्लू करता है, ठीक है, और इन दोनों को आपस में मिलाने पर क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। यहाँ क्या आपको, तो ये इसकी पुरानी डेफिनेशन। इसीलिए आप देखोगे जितने जो भाई खट्टे फल होते हैं, नींबू वगैरह, उन सब में क्या होता था भाई, सिट्रिक एसिड, इजंट इट। और बताओ फिर क्या हमारे पास, फिर है एरिहेनिस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। भाई उसके बाद हमारे पास होती है, आती है एरिहेनिस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ये थ्योरी क्या बोलती है, ये थ्योरी कहती है कि कोई भी स्पीशीज जो पानी में जाके H+ आयंस रिलीज करे वो क्या होगी, एसिड। एसिड क्या होते हैं, जो पानी में डिजोल्व होने के बाद H+ आयंस रिलीज करे। और बेस क्या होंगे, जो पानी में जाने के बाद OH- आयंस रिलीज करें। तो भाई एरिहेनिस थ्योरी अकॉर्डिंग क्या होता है, बताओ HCl क्या है, एसिड। क्या है ये, क्यों ये पानी में जो क्या रिलीज करेगा, H+ + Cl-। तो क्या एसिड भाई, लेकिन मैं आपको बताऊँ भाई, ये जो H है ये एसिड रहेगा, ये H वाटर से कंबाइन करके क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन। पता होगा ना आपको इस चीज का, ठीक है। तो क्या हमारे पास, ये एसिड। तो H2SO4, तो एरिहेनिस थ्योरी में HCl भी क्या है, एसिड। H2SO4 भी क्या है, एसिड। क्यों भाई, क्योंकि H2SO4 पानी में जो क्या रिलीज करेगा, 2H+ जो रहेंगी हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में, प्लस में क्या आएगा, सल्फेट आयन। तो ये क्या हमारे पास, एसिड। HNO3 भी यहां पर क्या है, HNO3 भी यहां पर क्या है, एसिड। क्यों, H+ + NO3-। ये भी क्या बताओ भाई, एसिड, ठीक है। और बेस इसमें कौन से होंगे बताओ भाई, इसमें NaOH, ये भी हमारा फेवरेट बेस, पता होगा ना आपको भाई, जहाँ देखो NaOH भाई। MSc में भाई कुछ और नहीं मिला टाइट्रेशन के लिए, ले आओ NaOH, पता होगा ना टीचर को भाई, मान लिया कुछ काम है, क्या बोलेगा, एक काम करो HCl और NaOH की टाइट्रेशन लगा लो, पता होगा ना आपको भाई।
ठीक है, तो एन ए एच क्या बताओ भाई, एन ए ओ एच, क्योंकि ये बताओ क्या करेगा, ये पानी में जाके क्या रिलीज करेगा बताओ भाई, ओ एच नेगेटिव, क्या बनेगा, एन ए प्लस और ओ एच नेगेटिव, तो ये क्या है बेस अकॉर्डिंग टू एरी हेनिस कॉन्सेप्ट। अच्छा और बताओ भाई, और बताओ, अच्छा बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इनो भी क्या होती है बताओ भाई, ये क्या बनेगा Ca2 पॉजिटिव और अरे भाई एक मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, एक मोल तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस दो मोल क्या हाइड्रोक्साइड आयंस, तो ये भी क्या हमारे पास बेस, इजंट इट, नहीं बता आपको पहले पढ़ी क्या भाई, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 तो क्या देगा पानी चाहिए बताओ भाई, Al3 प्लस, अरे Al3 प्लस प्लस 3OH नेगेटिव, और ध्यान रखो जो क्या होते हैं एंटा एसिड्स क्या होते हैं, मैं कई बताऊंगा ना कई भूखे नीत के मनुष्य होते हैं वो क्या करते हो कि शादी में चले गए तो वहाँ पर जितनी उनकी हिम्मत है उस हिम्मत से ज़्यादा खा लेते हैं, फिर भाई पेट में क्या बन जाता बहुत सारा भाई, क्यों खाने को पचाने के लिए बॉडी का नेचुरल रिएक्शन क्या होता है ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करना, और जब ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता भाई इजंट इट, फिर उनको तकलीफ होती है, फिर उन्होंने वो अरे खट्टी डकार इस टाइप से बताओ ना आपको भाई, फिर इसलिए क्या फिर वो उन्हें भाई क्या लेना पड़ता बताओ एंटा एसिड, तो एंटा एसिड क्या करता है उसमें क्या होता है, उसमें यही होते हैं भाई, अरे उसमें हाइड उसमें क्या होते हैं हाइड्रोक्साइड्स, ये पानी में ये पेट में जाएंगे और वहाँ पर क्या रिलीज करेंगे ओ एच नेगेटिव, वो ओ एच नेगेटिव आयन उन एच पॉजिटिव आयन से बाइंड करके बना लेंगी वाटर, उन्हें न्यूट्रलाइज कर देती है मतलब आपको पहले पड़ी, और पीएच को नॉर्मलाइज कर देती है, नहीं आ गया आपको, तो ये बताओ क्या हमारे पास इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं एरिन थ्योरी, फिर क्या है ब्रॉन्स्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, इसको मैं आपको बताऊं भाई कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट, ये बताओ क्या कहता है, ये कहता है कि एसिड कौन होगा प्रोटॉन डोनर और बेस कौन होगा प्रोटॉन एक्सेप्टर, एसिड क्या करेगा प्रोटॉन डोनेट करेगा और बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और उनके बीच में एक एसिड बेस इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ एच प्लस मैं कहूँ एच सी एल प्लस एच टू ओ एच सी एल प्लस एच टू ओ तो क्या हो जाए हमारे पास ये, तो क्या था भाई कि यहाँ पर एच सी एल कैसे कर रहा है एज प्रोटोन डोनर, तो ये प्रोटोन डोनेट कर देगा और क्या बना लेगा ये बोलो भाई प्रोटोन किसको मिल गया H2O को क्या बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा H3O पॉजिटिव प्लस क्या बन गया Cl नेगेटिव, तो ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन में ये कैसे एक्ट कर रहा है एज एसिड, ये क्या भाई एसिड और ये क्या है बेस, तो जो प्रोटोन डोनेट करे वो क्या होगा एसिड, जो प्रोटोन एक्सेप्ट करे वो क्या होगा बेस, अब आप ये बताओ भाई तो इस एसिड लेकिन बैकवर्ड के अंदर, बैकवर्ड के अंदर क्या हाइड्रोनियम आयन प्रोटॉन डोनेट नहीं कर रही क्या, तो अरे भाई बैकवर्ड रिएक्शन में देखूं तो बैकवर्ड में H3O पॉजिटिव क्या करती भाई प्रोटॉन रिलीज करते इजंट इट, यानी बैकवर्ड में क्या कहलाएगी एसिड, तो ये बना किससे इस बेस से, तुम क्या बोलेंगे इस बेस का ये क्या कंजुगेट एसिड और इस एसिड का ये क्या कंजुगेट बेस, नहीं है आपको, इन्हें क्या बोलते हैं भाई, तो इनको बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर, क्या बोलते हैं इस एसिड का कंजुगेट बेस कौन सा है प्रोटॉन रिलीज करने के बाद क्या बनाई गई कंजुगेट बेस, और इस बेस का कंजुगेट एसिड क्या है H3O पॉजिटिव, और ध्यान रखियो अगर कोई बेस स्ट्रांग है उसका कंजुगेट एसिड क्या होता है वीक, और अगर कोई बेस वीक है उसका कंजुगेट एसिड क्या होगा स्ट्रांग, तो वीक एसिड का कंजुगेट बेस क्या होगा स्ट्रांग, और वीक बेस का सॉरी स्ट्रांग एसिड का जितना स्ट्रांग क्या होगा एसिड उसका कंजुगेट बेस उतना ही वीक होगा भाई, क्यों ये स्ट्रांग एसिड है ये प्रोटॉन को रिलीज करना चाहता है, तो एक बार रिलीज कर दिया तो जो स्पीशीज बनेगी वो प्रोटॉन क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या, अरे बोलो भाई ठीक है, तो और भाई सिमिलरली आप इसको भाई और ध्यान रखिए यहाँ पर इस रिएक्शन में फॉरवर्ड में वाटर कैसे भी होकर रहे एज बेस,
लेकिन अगर मैं एच सी एल की बजाय यहाँ पर क्या लेता अमोनिया, क्या भाई देखो एरी हैनिस कॉन्सेप्ट दिक्कत ये थी कि वो तो क्या बोलता कि OH रिलीज करने वाला ही क्या होता है बेस, अब अमोनिया क्या होता है बेस, लेकिन यहाँ पर OH होते ही नहीं, तो कोई एरी से पूछने वाला हो कि भाई अगर OH वाला क्या, अरे भाई उसी वक्त मैं बता रहा हूँ समझा, उस वक्त की थ्योरी भाई उस वक्त की थ्योरीज ठीक थी लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। अब अमोनिया में क्या नहीं OH नहीं है लेकिन ये कैसे एक्ट करता है बेस की तरह, इसीलिए हमको भाई नए नए कॉन्सेप्ट की हमको रिक्वायरमेंट पड़ती है, नहीं आएगा आपको। तो NH3+ में क्या आ गया हमारे पास H2O। अब बात क्या भाई, तो ये यहाँ पर क्या करेगा प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेगा अमोनिया भाई और क्या बना लेगा बताओ भाई NH4 पॉजिटिव प्लस में क्या आ गया OH नेगेटिव। तो बताओ फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रोटोन एक्सेप्ट किसने किया है अमोनिया ने, तो ये क्या है बेस, डोनेट किसने किया है एसिड, नहीं आएगा आपको, अरे बोलो भाई। और बैकवर्ड में तो याद रखो ये क्या है बेस और ये क्या एसिड, तो देखो यही वाटर HCl के साथ कैसे एक्ट कर रहा था लेकिन अभी क्या कर रही है एसिड में डायरेक्ट, नहीं बात आपको पल पड़ी, यानी सारी चीज़ क्या होती है रिलेटिव, एसिड और बेस ही भाई रिलेटिव कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, नहीं आना आपको ये। अगर कोई HCl से भी क्या स्ट्रॉन्ग एसिड तो HCl को कैसे एक्ट करना पड़ेगा एज बेस, नहीं आना आपको ये गुड। तो भाई अब बताओ अब क्या है लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, तो ये तो क्या था हमारे पास लेविस कॉन्सेप्ट। देखो इन नए नए कॉन्सेप्ट्स की नई नई थ्योरीज की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई, इनकी ज़रूरत हमको इसलिए पड़ती है क्योंकि एक कॉन्सेप्ट से आप सभी तरह के एसिड बेस को समराइज नहीं कर सकते, जैसे भाई एरी हैनिस कॉन्सेप्ट है उससे आप अमोनिया को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये बेस कैसे है क्योंकि इसमें OH तो है ही नहीं, तो ये पानी में जाके OH यहाँ से कैसे डिसोशिएट हुए, नहीं मतलब आपको पल पड़ गया। लेकिन भाई ब्रोंस्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट में ये इजीली किसकी तरह एक्ट कर पा रहा है बेस की तरह, क्यों प्रोटॉन एक्सेप्ट करके, तो इसने इनडायरेक्टली क्या एमिट करवा दिया OH नेगेटिव, नहीं आना आपको ये गुड, बता दें इसको। अब क्या हमारे पास लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, अब लेविस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, लेविस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एसिड कौन होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, क्या भाई अरे भाई इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट करेगा वो कौन होगा एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो बेस, नहीं है क्या आपको। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड बहुत सारे क्या होते हैं मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो ना तो क्या करते हैं बताओ भाई प्रोटॉन एक्सेप्ट करते ना ही प्रोटॉन डोनेट करते ना एच पॉजिटिव या OH आयन रिलीज करते, लेकिन तब भी वो एसिड या बेस की तरह एक्ट करते हैं। तो उनको डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए और भी ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन, तो कौन से हमारे पास लेविस एसिड और बेस, तो लेविस एसिड कौन होंगे जो क्या होंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। तो बताओ अरे भाई इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कौन करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, तो बोलो भाई कौन एक्ट करेगा एज लेविस एसिड जिनके पास भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम्स भाई। अब बताओ BH3 क्या भाई BH3 बोरोन ने तो क्या कर रखा है 3 हाइड्रोजन से बाइंड कर रखा है, तो इसके पास बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन कितने 6, कितने भी 6 है ना, क्या इसका ऑक्टेट पूरा है शिवम, क्या इसका ऑक्टेट पूरा है, शाबाश, क्या कर रहे थे फोन में, ओके। अब तो BH3 में बोरोन का ऑक्टेट पूरा है क्या, भी 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अमोनिया का ऑक्टेट क्या है भाई, पूरा है ना, नहीं आ गया आपको। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भाई, तो ये अमोनिया क्या इस बोरोन को ये पेयर भाई डोनेट नहीं कर सकता क्या, बोलो भाई, हालांकि कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा ये, लेकिन दोनों किस साइड से आएंगे नाइट्रोजन की साइड से, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इजंट इट। और यहाँ पर उसे क्या बोलें क्या ये, बोलो भाई यहाँ पर अमोनिया कैसे एक्ट कर रहा है एज लेविस बेस, और BF3 कैसे एक्ट कर रहा है यहाँ पर भाई
BH3 या BF3 यहाँ पर वीक एसिड कर रहा है लेविस एसिड की तरह। नहीं आपको है? देखो तो जितने भी आपके पास क्या थे, आपने भाई इनऑर्गेनिक में आपने पढ़े थे ना कॉम्प्लेक्सेस, वहां पर सारे मेटल सेंटर क्या थे? लेविस एसिड। क्या थे? लेविस एसिड। और लिगेंड्स क्या होते हैं? लेविस बेस। नहीं बात आपको पल पड़ी? और सिर्फ यही नहीं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ना, अगर मान लिया किसी सेंटर से, अगर मान लिया जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वहां पर दोनों ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेंगे ना भाई, तो कार्बन के ऊपर क्या जाएगी? इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ी सी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो वो भी एक तरह से क्या हो गया? लेविस एसिड सेंटर बन गया। जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन कमी होना चाहिए, अगर डेंसिटी वैसे कम हो रखे हो ना भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के अटैच हो रखे हैं, तो वो पॉइंट भी क्या बन जाएगा? लेविस एसिड सेंटर। नहीं आपको? तो लेविस एसिड कौन होंगे? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, उनमें भाई मोस्टली क्या होते हैं? तो न्यूट्रल या क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। और लेविस बेस कौन होंगे? जिनके पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? फालतू। मतलब फालतू मतलब क्या है भाई? लोन पेयर्स हों। क्या भाई? लोन पेयर्स। वो मोस्टली क्या होंगे? नेगेटिव। क्या होंगे? कोई एक आध पॉजिटिव होता है, नहीं तो क्या होते हैं? नेगेटिव न्यूट्रल और नेगेटिव और न्यूट्रल क्या होते हैं? मोस्टली लेविस बेस क्या होते हैं? या तो नेगेटिव या क्या होते हैं? न्यूट्रल। नेगेटिव का मतलब क्या है? कि उनके पास लोन पेयर मिलेगा। और एक आध भाई न्यूट्रल जैसे अमोनिया है, इसके पास भी क्या है? लोन पेयर। बात आपको पहले पड़ गई? ये क्या होता है? लेविस बेस। अब बताओ क्या हमारे पास भाई? कोडी और सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब बताओ भाई सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? इसमें एसिड कौन होगा? सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट में एसिड कौन होता है? जो कि सॉल्यूशन की, देखो हमारे पास कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट है, अगर कोई सॉल्यूट, अगर कोई स्पीशी, अगर कोई कंपाउंड जब आप उसे सॉल्वेंट में डालते हो, तो अगर वो सॉल्वेंट की कैटायनिक फीचर्स को बढ़ा दे, कैटायनिक फीचर्स को सपोर्ट करे, तो वो क्या होगा? एसिड। और अगर कोई एनायनिक फीचर्स को सपोर्ट करे, वो क्या होगा? बेस। नहीं आपको है? फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर में देखूं, अगर मैं चेक करूं वाटर में, इसमें भाई वाटर में, तो भाई इसमें आपको पहले क्या मालूम होना चाहिए कि वाटर का, पहले आपको ये मालूम हो कि सॉल्वेंट का सेल्फ डिसोसिएशन क्या प्रोड्यूस करता है, कि वाटर का सेल्फ डिसोसिएशन क्या प्रोड्यूस करता है भाई। तो काम करो भाई, तो H2O प्लस H2O, एक काम करो, एक प्रोटॉन छीन के यहां ऐड कर दो, क्या बन जाएगा? ये H पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा भाई? यहां से तो OH नेगेटिव बन गया। अरे भाई इसका सेल्फ डिसोसिएशन, इसके दो तरीके होते हैं, एक तो एक वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ दो, क्या हो जाएगा वो? H प्लस OH नेगेटिव, भी ठीक है, लेकिन आपको पता है भाई कि बेटर क्या रहेगा कि आप दो वाटर मॉलिक्यूल लो, क्योंकि बन नहीं यहाँ पर क्या? हाइड्रोनियम आयन, इजंट इट? तुम क्या बोलेंगे? H2O क्या बन गया? OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, सॉरी H3O पॉजिटिव। नहीं आ गया आपको? अब आप एक काम करो भाई, अब आप पानी में क्या मिलाओ? HCl। क्या मिलाओ भाई? HCl प्लस वाटर। तो ये क्या रिलीज करेगा? H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो पानी का सेल्फ डिसोसिएशन क्या प्रोड्यूस करता है? OH नेगेटिव और हाइड्रोनियम आयन। ये इनमें से कौन सी प्रोड्यूस करता है? OH नेगेटिव आयन तो प्रोड्यूस करता नहीं है, क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोनियम आयन। यानी कि क्या करता है? ये सॉल्वेंट की कैटायनिक फीचर को सपोर्ट कर रहा है भाई, यानी क्या होगा? ये एसिड। नहीं आएगा आपको? और अगर मैं इसमें क्या ऐड करता हूं बताओ भाई? अमोनिया, NH3 प्लस H2O, तब बताओ क्या था मेरे पास? बोलो भाई, ये प्रोटॉन छीन लेता, क्या बनता मेरे पास? ये NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो इसने कौन सी कॉमन आयन प्रोड्यूस की है? जो कि पानी के सेल्फ डिसोसिएशन से नेगेटिव आयन बनती है ना, वही नेगेटिव आयन ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या हुआ? ये बेस। नहीं आएगा आपको? सिमिलरली अगर सॉल्वेंट क्या हो हमारे पास? वाटर ना हो, क्या हो? लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। क्या अगर हमारे पास क्या भाई? लिक्विड निपल। तो अमोनिया में कौन कैसे एक्ट करेगा बताओ? कोई आपसे पूछ ले भाई, बताओ KNH2, क्या बताओ KNH2 कैसे एक्ट करेगा इन लिक्विड अमोनिया? हम क्या बोलेंगे? तो पहले आप क्या बनाओ? अमोनिया का सेल्फ
डिसोसिएशन। तो अमोनिया अमोनिया एक प्रोटॉन छीन के यह ऐड कर दो, क्या बन जाएगा मेरे पास ये NH4 पॉजिटिव प्लस NH2। अब सिंपल से बात होगी, कोई भी जो क्या रिलीज करे NH2 नेगेटिव तो क्या होगा बेस, और कोई भी जो क्या रिलीज करे अमोनियम अणु क्या होगा एसिड। तो बताओ KNH2 कैसे एक्ट करेगा, तो लिक्विड अमोनिया में KNH2 कैसे एक्ट करेगा, K+ NH2 नेगेटिव क्या होगा हमारे पास ये बेस। नहीं क्या कोई आपसे पूछ ले SO2 में लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में SOCl ये बताओ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में SOCl कैसे एक्ट करेगा, क्या भाई नहीं आपको आया क्या, तो क्या करो आप SO2 प्लस SO2 क्या बन जाए एक ऑक्साइड छीन के यह ऐड कर दो, क्या बन जाएगा ये SO2 पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा SO3 2 नेगेटिव। अगर कोई SO2 पॉजिटिव आयन छोड़े तो क्या है एसिड। अब SOCl Br जब पानी में जाएगा तो क्या रिलीज करेगा Cl नेगेटिव Br नेगेटिव और SO2 पॉजिटिव, तो क्या होगा ये एसिड। नहीं आया आपको, ऐसे मालूम करना आपने, आसान है कि मुश्किल भैया। अब तो फिर क्या भाई लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, अब क्या हमारे पास लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ये बताओ क्या होगा हमारे पास। अरे बोलो भाई, अगर कोई ऑक्साइड एन क्या करता है डोनेट, वो बताओ क्या होगा भाई इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, अगर कोई ऑक्साइड आयन डोनेट करे उसको हम क्या मानेंगे बेस, और अगर कोई क्या रिलीज करे अरे बोलो भाई, अगर कोई क्या रिलीज करे ऑक्साइड आयन डोनर क्या होगा बेस, ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर क्या होगा एसिड। आप इसको भी काफी हद तक क्या मान लो नेगेटिव की तरह, अरे इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या रहा करता बेस, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ साथ ऑक्साइड आयन को डोनेट कर दो तो बेस है भाई, नहीं होता आपको पल पड़ गया, तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है नेगेटिव होता है भाई, आप साइंस बना लो इसकी कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या होता है लेविस बेस, तो ऑक्साइड आयन डोनर भी क्या होगा लक्स फ्लड बेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास क्या हो SiO2 प्लस CaO कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये क्या है SiO2, तो क्या बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास ये CaSiO3। अब आपको भाई यहाँ पर किसने किसको डोनेट किया है, अरे भाई ये कैल्शियम तो क्या है, ये कैल्शियम तो बताओ क्या हमारे पास 2 पॉजिटिव, और भाई ये ऑक्साइड किसके पास आ गई SiO2 के पास, क्या बन गया SiO3, अरे कोवलेंट बॉन्ड हो गया इसका अब ओ नेगेटिव, क्या बन कोवलेंट बॉन्ड हो गई, तो SiO2 ने कौन एक्सेप्ट कर लिया, SiO2 ने कौन एक्सेप्ट कर लिया है ऑक्साइड है, तो यहाँ पर ये कैल्शियम ऑक्साइड तो क्या है बेस, लेकिन SiO2 एक्सेप्ट कर रहा है क्या ये एसिड। नहीं आया क्या आपको ये, और बताओ क्या हमारे पास भाई Ušanović कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस, अब ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है भाई Ušanović कॉन्सेप्ट ऑफ, ये भाई देखो आपको भाई इतने सारे कॉन्सेप्ट आ गए, खट्टे हैं कड़वे हैं एच पॉजिटिव आयन रिलीज करे इजंट इट फलाना ढिमकाना भाई, तो Ušanović बोला भाई कि मैं एक एसिड डेफिनेशन बनाऊंगा, क्या समझे बात, बोलो भाई जो सारे एसिड बेस को समराइज कर देगी, तो Ušanović ने बोल दिया कि एसिड क्या होगा, बोलो भाई एसिड क्या होगा जो एच पॉजिटिव आयन क्या करे, नहीं जो कैटायन डोनेट करे या एनायन या लोन पेयर एक्सेप्ट करे या सॉल्वेंट की, अरे भाई जो कैटायन डोनेट करे या एनायन एक्सेप्ट करे या सॉल्वेंट की कैटायनिक फीचर को सपोर्ट करे वो तो क्या होगा एसिड, और इनका उल्टा क्या हो जाएगा बेस, मतलब उसने भाई सारे कॉन्सेप्ट मिला के और क्या बना दिया, बोलो भाई बताओ क्या होगा एसिड दैट एक्सेप्ट नेगेटिव स्पीशीज एनायंस, व्हाट इज एसिड दैट एक्सेप्ट नेगेटिव स्पीशीज एनायंस और इलेक्ट्रॉन्स और डोनेट पॉजिटिव आयंस और कैटायंस।
वो तो क्या होगा एसिड, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई, बेस। अगर कोई एनायन डोनेट करता है, एसिड क्या हो गया, जो एनायन क्या भाई, जो एनायन या इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करे नेगेटिव स्पीशीज भाई, वो तो क्या होगा एसिड, और या भाई कैटायन क्या करे, वो एसिड हो गया, और भाई जो कैटायन क्या करे एक्सेप्ट, और एनायन क्या करे डोनेट, वो क्या होगा बेस। नहीं आएगा आपको? ओके निपल पड़ा आपको ये पक्का आ गया? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।